उधमसिंह नगर जिले के जसपुर में लकड़ी के कारखाने में आग लग गई। इस दौरान गनीमत रही कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची दमकल की आधा दर्जन गाड़ियों की मदद से आग पर बमुश्किल काबू पाया गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। खबर जनपद उधमसिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र के काशीपुर रोड की है, जहां एक लकड़ी के कारखाने में आज अचानक आग लग गई, जिससे आसपास भगदड़ मच गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग की चपेट में आकर एक कार और दो बाइक समेत आसपास फलों के ठेले भी जो है जलकर खाक हो गए। गनीमत रही की कोई जनहानि नहीं हुई। वहीं दमकल विभाग ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। कारखाने मालिक की माने तो करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जसपुर से प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। कारण का तो पता नहीं सर, बस रात को हम छोड़ रहे, पुलिस वाले ने आग उठाया, आग लग गई। इसमें बहुत सामान था, कम से कम 1.25 करोड़ रुपये का नुकसान है। ये लकड़ी का था सारा दारों का। ये 3:50 पे हमें सूचना मिली, बाजार चौकी के सामने लकड़ी का एक कारखाना है, यहाँ पे आरा मशीन है, जिसमें कि सूचना मिली कि आग लग गई है। तुरंत मैं दो गाड़ियों को लेकर घटनास्थल पहुँचा, तो आग की जो विकरालता थी उसको देखते हुए काशीपुर से और बाजपुर से तथा इधर सहोता पेपर मिल, नैनी पेपर मिल और सिद्धार्थ पेपर मिल से भी गाड़ियां मंगाई गई, और इसको अभी तक पूरा कंट्रोल कर दिया गया है। कोई जानमाल की हानि नहीं हुई है। जसपुर में देखिए, मछली बाजार के पास जो लकड़ी मंडी है उसमें कल आग लगी थी। एग्जैक्ट कारण तो अभी पता नहीं है, लेकिन संभावित जो लग रहा है शॉर्ट सर्किट के कारण लगा है। वहां पे फरीद हुसैन जी, मोहम्मद अनीस, सफीक अहमद और इन्हीं लोगों के वहां पे जितना भी सामान था वो सारा जल गया था। इसके अलावा कुछ फल वाले वहां पे थे, उनका भी काफी नुकसान हुआ है। एक कार, एक बाइक तो पूर्ण रूप से ही वहां पे जल गई है, बाकी कुछ बाकी गाड़ियां जो खड़ी थी उनमें आंशिक रूप से भी नुकसान हुआ है। और साथ ही मेरे द्वारा वहां का जब निरीक्षण किया गया था, तो वहां पे जो लगे हुए जो मकान थे उनमें भी हमने देखा कि इसके कारण वहां पे भी काफी दरारें आ गई है।